विज्ञान भले ही प्रगति के शिखर पर हो, लेकिन आज भी संसार में कुछ ऐसी कुदरती चीजें हैं जिन्हें चमत्कार ही माना जाता है। ऐसे ही अनसुलझे रहस्य के तौर पर फ्रांस के बर्गंडी राज्य में सदियों से बह रहा है फोर्से ड्यूनी स्प्रिंग। ऐसा नहीं है कि इसके सोर्स को ढूंढने की कोशिश नहीं हुई है, लेकिन आज तक यह बात कोई नहीं जान पाया है कि झरने में आखिर पानी कहां से आता है। फोर्से ड्यूनी स्प्रिंग में धरती के नीचे से लगातार पानी आता रहता है। कई बार इस रहस्य को जानने की कोशिश भी की गई है, आखिर झरने में लगातार पानी कहां से आ रहा है, लेकिन कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया है। हैरानी की बात तो यह है कि झरने का सोर्स का ही पता नहीं है, फिर भी इसमें पानी की कभी भी कोई भी कमी नहीं होती है। झरना टोनेरे नाम के शहर में स्थित है। यह हर सेकंड में कम से कम 300 लीटर पानी बाहर की ओर फेंकता है, जो काफी ज्यादा होता है। अगर बारिश ज्यादा हो तो झरने का पानी 300 लीटर प्रति सेकंड तक भी पहुंच जाता है। इस पानी को रोमन लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि 17वीं सदी में लोग इससे नहाते थे। 18वीं सदी में लोगों ने जब इस झरने का पता लगाने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि गोल होज की तहलती ही नहीं है। धरती से फूट रहे इस झरने का सोर्स जानने के लिए कई बार कोशिश की गई है, लेकिन आज तक कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया है। बता दें कि फोर्से ड्यूनी स्प्रिंग के जल स्रोत को ढूंढने की कोशिश 17वीं सदी से ही हो रही है। इसे ढूंढने गए ज्यादातर लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से यह जगह और भी रहस्यमयी मानी जाने लगी है। कई लोग कहते हैं कि इसमें दूसरी दुनिया से पानी आता है और वो जगह सांपों का घर है। 1974 में दो गोताखोरों ने इसका स्रोत ढूंढना चाहा तो वो इसमें ही डूब कर मर गए। 1996 में फिर कोशिश की गई तो एक और गोताखोर की मौत हो गई। कुछ साल पहले एक बार फिर एक गोताखोर ने कोशिश की तो वो आधे रास्ते से ही वापस लौट आया। ऐसी ही दिलचस्प खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें देश हित।